नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो एक और नई भर्ती स्टेनो वाले बच्चों के लिए आ चुकी है। जो बच्चे एपीएस के बाद अब सोच रहे थे कि अगर एपीएस किसी हिसाब से अगर आपका गलत गया चाहे नहीं सही हुआ, तो अगर आपको क्या करना है तो ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का एक शॉर्ट नोटिस आपका जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा। आपका डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म फिलिंग कब होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, इन सब के बारे में हम बताएंगे। तो नोटिफिकेशन में क्या है, ये शॉर्ट नोटिस में क्या है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आपको मैं थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। ये जो ईपीएफओ का एग्जाम है इसको कौन कंडक्ट कराएगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्सनल असिस्टेंट का ये है और इसको यूपीएससी कराएगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्सनल असिस्टेंट का ये पद होगा और इसमें 132 पद जो होंगे वो आपके जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के 32 पद हैं, ओबीसी के 87, एससी के 48 और एसटी के 24, पीडब्ल्यूबीडी के आपके 12 हैं। तो ओवरऑल आप के इतने आपके पद जो हैं इनके कैटेगरी वाइज आपको दे दिया गया है। अब इनमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, बाकी आपके डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर दिया गया है, तो वो चीजें जब नोटिफिकेशन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब मेन है यहां पर कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये सब मैं आपको बता दूंगा। पहले और कुछ इन पे इंफॉर्मेशन, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके करेक्शन के डेट का भी सब कुछ यहां पर बता दिया गया है। और मेन जो है एज, आपका 30 साल एज आपका यहां पर बोला है, 30 साल का एज होना चाहिए। और पे लेवल आपका जो सैलरी होगा वो 7th पे लेवल की यहां पर सैलरी आपकी बनेगी, अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। तो वही बोला यूआर के लिए 30 साल है, आपके ओबीसी के लिए 33 साल है, 35 साल आपके एससी एसटी के लिए है और 40 साल जो आपके फिजिकली डिसेबल है उनके लिए है, अपर एज लिमिट आपका दिया गया है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इस नोटिस को समझा दूं तो पोस्ट का नाम पर्सनल असिस्टेंट है और यहां पर इसके फॉर्म फिलिंग जो होंगे 7 तारीख से 7 मार्च से आपके स्टार्ट होंगे, क्लोजिंग आपके 27 मार्च को हो जाएगी। और पे लेबल मतलब आपके 7th पे कमीशन, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी 16K के आसपास बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एज आपकी आपसे बोला गया है यहां पर कि 20 से 30 साल आपका यूआर के लिए, बाकी आपका ओबीसी और एससी एसटी का जो रिलैक्सेशन मिलता है कि ओबीसी को 3 साल, एससी को आपका 5 साल, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। करेक्शन भी दे दिया कि जैसे ही फॉर्म क्लोजिंग होगा 28 से लेकर 3 अप्रैल तक आपका करेक्शन होगा। और इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे ये ध्यान रखिए, तो सबसे बड़ी बात है एलिजिबिलिटी में, तो यहां पर आपका कोई भी ग्रेजुएशन आप हो किसी भी स्ट्रीम से, अभी तो यही है जाहिर सी बात है, बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा वहां पे कंफर्म होगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका पर्सनल असिस्टेंट में स्टेनो आनी चाहिए और जब सेंट्रल की भर्ती है तो इंग्लिश स्टेनो आपका मांगेगा और ऑलमोस्ट यही है 80 वर्ड पर मिनट ये भी मांगे या 100 वर्ड पर मिनट मांग ले, तो ये ध्यान रखिएगा, वो डिपेंड करता है। यहां पर चांसेस है इंग्लिश स्टेनो आपका मांगेगा और टाइपिंग आपकी मांगेगी, इंग्लिश की ही टाइपिंग मांगेगी और टाइपिंग आपका ऑलमोस्ट ये मान लीजिए अगर स्पीड मांगता है तो इंग्लिश टाइपिंग आप जानते हो 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है, बाकी अभी कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन स्टेनो और टाइपिंग आती है तो आप जाहिर सी बात है पर्सनल असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है आपके ओवरऑल 323 कितने 323 पदों पर यह भर्ती आ रही है और इसको यूपीएससी कराएगी, तो सैलरी भी अच्छी खासी है और जल्द ही ये आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं नौकरी भी तुरंत मिल जाएगी क्योंकि ईपीएफओ का जो कार्य होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो बाकी जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, अभी कई लोग आपको एग्जाम पैटर्न एसएससी का जो चला था जिसको एनटीए ने कंडक्ट कराया था उसको बता रहे हैं, लेकिन वो एनटीए ने किया था, अब यहां पर यूपीएससी को करना है तो क्या एग्जाम पैटर्न होगा, अब वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आपकी आएगी तब मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। बाकी जिनको भी कोई भी दिक्कत है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, स्टेनो क्या है, आपको कितनी आती है, वो सभी कमेंट पे आप पूछ सकते हो, पूरी जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि 7 तारीख को जब ये डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो सब कुछ आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे कि क्या क्या मांगा जाएगा, क्या कास्ट, जितने भी लोग हैं कास्ट सर्टिफिकेट अपना सही करा लें,
ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सही करा लें, जो कार्य पहले से करना चाहिए वो चीजें आप करा लीजिए। 7 तारीख से जैसे आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा आप सीधे फॉर्म फिल करिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं फिर एक बार आपके सामने आऊंगा, सभी लोग जम के एकदम तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।